Nashkar Ashish Mittal again from Arsenal. Friends, another design in Gopram style, and uh, this one is with doors in teak wood and in high gloss teak finish. In video number 240, I have shown you similar design, and that was with the pillars. This one is with doors. This unit is going to Bangalore, and the size of this one is 42 inches left to right, 24 inches total width. एंड द हाइट इज सेवन फीट ये मंदिर भी हमने कस्टमाइज किया है क्लाइंट के अकॉर्डिंग के हिसाब से और इसमें additional कुछ चीजें लगाई गई है जैसे ने कहा, इसमें उनको लॉक चाहिए था यहाँ पर लॉक है और इसमें व्हील्स है लॉक और व्हील्स स्टैंडर्ड यूनिट के साथ फिटिंग में नहीं आते ये एडिशनल है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हील्स जनरली मंदिर में लोग प्रेफर नहीं करते लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम लगा सकते हैं कुछ इस तरह से अब बात करते हैं ओवरऑल डिजाइन की इसमें एक चौकी है ये 24 इंचेस दो फीट हाई है जमीन से 24 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड इट हैज गॉट थ्री ड्रॉवर्स वन, टू एंड थ्री, एंड अ डियर ट्रे इन द middle द हाइट ऑफ द गर्भ गृह दरवाजे की टोटल हाइट है 40 इंचेस और 36 इंचेस का इसमें डोर है टोटल हाइट 7 फीट और ये है फोर फोल्ड

वुड हाई ग्लॉस फिनिश अगर आप इसको वॉलनट फिनिश में चाहें या डार्क फिनिश में चाहें वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं अब बात करते हैं इतने बड़े मंदिर को इंस्टॉल करने की और इसकी शिपमेंट की देखिए बड़े यूनिट्स बनाना बहुत आसान हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ बन रहे हैं हम इसे बनाकर कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन जब इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी के भी घर पर तो इतना बड़ा पैकेट पैकिंग के साथ बहुत वेट हो जाता है

You don't need a carpenter or a handyman to get these kind of units fit at your place. The design work, the size, and the dimensions are according to your requirement. So, this client asked us uh, to make this particular size, and the height is 24 inches, and accordingly, we have made it. And now it is going to Bangalore to the client's place. In a week or 10 days, it will be there.

उसको समझने के लिए एक आपकी रिक्वायरमेंट समझना ये सबसे जरूरी है कि आप चाहते क्या है उसके हिसाब से मंदिर का ओवरऑल डिजाइन किया जाता है अब मैं दिखाता हूं आपको उसकी इंस्टॉलेशन इस मंदिर का डोम पार्ट ये छोटा मंदिर है तो ज्यादा वेट नहीं है इसके अंदर और ये इसमें बेल्स लगी हुई है इसके टॉप पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लॉट्स हैं जिसके अंदर इसका फ्रंट पार्ट फिक्स हो जाता है ये इस मंदिर का बेस पार्ट है बेस पार्ट हमेशा फिक्स होता है इसको हम फोल्डिंग नहीं बनाते क्योंकि इसको फोल्डिंग करने के बाद आपको बहुत कुछ चाहिए होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए जो बहुत मुश्किल हो जाता है बेस पार्ट के ऊपर हमारा गर्भगृह आएगा उसके बाद इसका टॉप पार्ट लगाना है हमें और इसके बाद इसकी डोम्स के ऊपर रखनी है अब बस हमें इसके अंदर ये बेल्स लगानी है और बेल्स लगाने के बाद आपका मंदिर कंप्लीट लेस लगाने के बाद मंदिर आपका कंप्लीट है इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है आपको कोई स्क्रू है, आप कोई हैमर कोई नेल कुछ नहीं चाहिए इसे इंस्टॉल करने के लिए इवन इफ दिस इज क्वाइट बिग साइज यूनिट लिटिल हैवीयर आल्सो ही रिक्वायर अ कपल ऑफ गाइस टू हैंडल द यूनिट बिकॉज़ इट हैज गॉट वेट बट यू डोंट रिक्वायर स्पेशली अ कारपेंटर और सम स्पेशल हेल्प और अ स्पेशलाइज्ड हेल्प टू गेट दिस इंस्टॉल्ड यूनिट बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन के साथ आपके सामने है कंप्लीट हो चुकी है हाइट बढ़ाना है कम करना है इसका गर्भ छोटा करना है अंदर आपको शेल्स चाहिए आप बताइए हम आपके अकॉर्डिंग बना कर देंगे in, there, India, हम ऑलरेडी कवर करते हैं हर पार्ट इंडिया का हम ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं उम्मीद है आपको पसंद आएगा हमारा काम हमारे काम करने का तरीका तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कमेंट्स के लिए बताइए हमारा काम आपको कैसा लगा Thank you.